बाबर आजम के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं कि शान मसूद पाकिस्तान के लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द फ्यूचर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ये शान मसूद इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ प्लेयर्स रेजिलियंस, प्लेयर्स हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, एप्लीकेशन एंड अबव ऑल रोना धोना नहीं है। लेट द विलर डू द टॉकिंग। बाबर को हम बैश नहीं करेंगे। एक तो उस बेचारे की बैटिंग फॉर्म खराब है, ऊपर से आज जब से शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो पूरे मीडिया को देखकर अजीब सा हो रहा होगा कि शान मसूद इज अ वंडरफुल गाय, ही नोज हाउ टू स्पीक, ही नोज हाउ टू हैंडल पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया। किसी को सोचा नहीं है, लेकिन सोचने वालों ने अब सोच लिया है कि बाबर आजम शायद लंबी रेस का घोड़ा बतौर कप्तान साबित नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए ताकि बाबर को भी पता चले कि मियां Every day is not Sunday। कप्तानी की फहरिस्त में आप शान मसूद को भी ऐड कर सकते हैं। इसने इस्लामाबाद की भी कप्तानी की है, इसने मुल्तान सुल्तान की भी बेहतरीन कप्तानी की है। रेवोल्यूशन आया, ये जो नहीं मानते थे इसने दिखाया है। मैं टी20 का शेयर का, लेकिन बाबर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से परेशान जरूर हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया उसको कप्तान क्यों बनवाना चाहता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HD के कौन नए वीडियो में। दोस्तों, एशिया कप के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा सवाल उठे कि बाबर आजम ने एशिया कप में क्या किया। वो तो एशिया कप में कहीं कुछ दिखाई नहीं दिए, और अब ये बात चल रही है और पूरी पाकिस्तानी मीडिया इस बात को कह रही है कि अब बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए और उसके जगह पर शान मसूद को कैप्टन बना देना चाहिए, नहीं तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो हमें वर्ल्ड कप के अंदर में भी ले डूबेगी। और इस मामूल हक का ये कहना है कि बाबर आजम को इंग्लिश बोलने नहीं आती, वहीं पे शान मसूद जो है वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि बाबर आजम उसके आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने अभी अपनी टीम सिलेक्शन की है उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है कि आखिरकार पाकिस्तान की जो टीम है वो खुद खेलना चाहती है या फिर अपने देश के लिए खेलना चाहती है। देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया और इजमाउल हक का क्या राय है। बाबर आजम बतौर कप्तान, ये मेरा कप्तान भी सामने आ गया है और उसको किसी मकसद के तहत टीम में शामिल किया गया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ है। और जो सबसे बड़ी चीज हुई है जिससे अब बाबर आजम के लिए खतरे की घंटी बजी है, और इससे पहले भी बजी थी लेकिन वो खतरे की घंटी बाबर आजम ने बंद कर दी थी, लेकिन ये खतरे की घंटी शायद बाबर आजम इसको रोक ना पाए कि शान मसूद पाकिस्तान के लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द फ्यूचर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा ही, जिसको आप कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, वो बंदा नजर आया है, बड़ा ही रेडी टू लर्न वो बंदा नजर आया है। जब भी उससे सवाल पूछा गया कि आप जो है वो आपकी पोजीशन जो है वो ये नहीं है, अगर आपको इस पोजीशन पे खिलाया गया आप नाकाम हो गए तो आप क्या करेंगे, तो आपको वो हमेशा फ्लेक्सिबल नजर आया है। एक बड़ा फ्लेक्सिबल प्लेयर है जो हमेशा लर्न करने के बारे में तैयार रहता है, और ये उसकी लर्निंग है कि एक वक्त ऐसा है कि वो टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर निकल गया था, लेकिन क्या शानदार उसने कमबैक किया है कि वो आज एक T20 टीम का मुस्तकिल इंशाल्लाह हिस्सा बनने जा रहा है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने किस कदर मेहनत की होगी। कि ये जिस तरह से आज उसने इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, जो सहाफी थे, जर्नलिस्ट से उनका इंग्लिश में कमाल की इंग्लिश में जवाब दिया है, और जबरदस्त फ्लुएंट इंग्लिश में जवाब दिया है। जैसे वो निकल जो है वो इंडियन सहाफी, गुज़श्ता रोज मैंने उनका जिक्र किया था, वो कह रहा था कि वो आप उसको इंग्लिश में भी नहीं फंसा सकते क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और बड़े अरसे बाद कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा देखा जो बड़ी शानदार इंग्लिश बोलता है और बड़ा जबरदस्त ब्रेन है उसका, उसने हर सवाल का जबरदस्त जवाब दिया। और हमारे रमीज राजा भी कहा करते थे कि बाबर आजम के बाद से तो हमने कुछ सोचा ही नहीं है। ये बड़ी उसकी वीडियो वायरल गई थी, किसी ने कहा था कि बाबर आजम अगर नाकाम होता है तो फिर आप किसको कप्तान बनाएंगे, तो उसने कहा था कि बाबर आजम के अलावा तो हमने किसी को सोचा नहीं है। लेकिन सोचने वालों ने अब सोच लिया है कि बाबर आजम शायद लंबी रेस का घोड़ा बतौर कप्तान साबित नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए ताकि बाबर को भी पता चले कि मियां एवरी डे इज नॉट संडे। जरा अपनी कप्तानी के ऊपर भी तवज्जो दें। कितने लोग ऐसे हैं पाकिस्तान की टीम में जो ये मानते हो? हाँ। जो भी बाहर निकलता है वो रोना धोना, मीडिया की हेल्प और बेबसी, लाचारी और जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर ढिमकाना। हाँ, ऐसा ही होता है। शान मसूद इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ प्लेयर्स रेजिलियंस, प्लेयर्स हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, एप्लीकेशन एंड अबव ऑल रोना धोना नहीं है। लेट द विलर डू द टॉकिंग। शान मसूद की जहां तक बात है, इसको बहुत पहले खेलना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शान मसूद डिजर्व करता था, बेहतरीन डोमेस्टिक, बेहतरीन पीएसएल,
और उसके बाद रनों के ढेर इसने इंग्लैंड में भी लगाए और कप्तान भी बना। लेकिन देखे आप मुझे पूछ रहे थे कप्तानी की फहरिस्त में आप शान मसूद को भी ऐड कर सकते हैं, इसने इस्लामाबाद की भी कप्तानी की है, इसने मुल्तान सुल्तान्स की भी बेहतरीन कप्तानी की है, रेवोल्यूशन आया ये जो नहीं मानते थे इसने दिखाया। मैं टी20 का रवि शहर का तो इंग्लैंड में ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में भी कप्तानी कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल इन दिस वर्ल्ड। बाबर और रिजवान और फखर और शदाब और इफ्तिखार और खुशदिल और आसिफ, एनीबडी यू कैन नेम एनीबडी इफ दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द कॉज ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ टी20 इंटरनेशनल, आई विल नॉट हेजिटेट फॉर अ सेकंड एंड थ्रो देम आउट। सिंपल इज दैट भाई। आप ये दकियानुसी बातें, ये पागलपन की बातें, हमारे पास पूल नहीं है, प्लेयर नहीं है, बकवास झूठ। बाबर को हम बैच नहीं करेंगे, एक तो उस बेचारे की बैटिंग फॉर्म खराब है, ऊपर से आज जब से शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो पूरे मीडिया को देखकर अजीब सा हो रहा होगा कि शान मसूद इज अ वंडरफुल गाय, ही नोज हाउ टू स्पीक, ही नोज हाउ टू हैंडल पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया। आज आप ये देखें बाबर पे एक और एक्स्ट्रा एडिट प्रेशर डाला उन तमाम तमाशबीनों ने जो लगे हुए थे कि शान के अब्बू से जो बच्चा पकड़ा है वो कैसे पूरा होगा भाई, ठीक है। और शान तो आंधीरा टीम में जान लगा के शान को लेकर आ गया, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हर्षा भोगले है क्या, वो अच्छा बोल रहा था, अच्छा बोलना तो क्या मतलब है, अच्छा बोल रहा था, उर्दू भी अच्छी इंग्लिश भी अच्छी। हाँ। मेरे घंटे से यार क्रिकेट पे बात, ये बताओ कि इसने जो पहले दो मर्तबा पाकिस्तान से खेला है वो किस बच्चे पे छपो खून मारा है। देखो एक साल से जायद हो गए शान मसूद को रन मारे हुए भाई इस फॉर्मेट के अंदर, और जिस नंबर पे उसको 127 के स्ट्राइक रेट पे लाया कौन है मुझे बताओ, लाया कौन है 127 के स्ट्राइक, आखिरी जो उसके 9 मैचेस है अभी ये जो नेशनल टी20 में खेल के गया, ये बताओ ना असल हकीकत पे आओ ना यार। हाँ। वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, वो बड़ा नस्तालीक है, वो बड़ा सुखरा है, वो बड़ा बुकरा था अबे घंटे का। हाँ। उसकी क्या मतलब जो बकवास कर रहे बैठा वो थोड़ी सुननी है कोई, अबे बल्ले से तेरी बारी आएगी नहीं आएगी ये देखना है हमने। नजर नहीं आ रहा आज ये किस बात का बाबर पर प्रेशर डाला गया कि वो खेलेगा क्या इंग्लैंड के खिलाफ, अबे अगर 126 127 पे खिलाना है तो उमर अकबर अहमद शहजाद को ले लो यार, पुरानी ट्रेन है चल जाए। मगर नहीं ये समझ में नहीं आया कि भाई क्यों बाबर की गोद में बिठा दिया जबकि वो मना कर चुका है यार। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पूरा टीम का ऐसी की तैसी की जाएगी क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके गुण गाए जा रहे हैं सिर्फ बात करने पे। अबे बल्ले से तो कुछ करे जब की बात है, और बल्ले से घंटा करेगा वो क्या टिम डेविड बनकर आएगा टीम के अंदर, क्या ग्लेन मैक्सवेल बनकर आया टीम के अंदर, ना ऑर्थोडॉक्स है ना अनऑर्थोडॉक्स शॉट है उसके बाद। अबे एक रेगुलर क्रिकेट खेलता बस वो, उसके छक्के दिखा रहे हैं ग्राउंड में, छक्के मार रहा है घंटे के छक्के 55 मीटर के छक्के मार रहा है वो वहां पर। लेकिन बाबर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से परेशान जरूर हो गया है, पाकिस्तानी मीडिया उसको कप्तान क्यों बनवाना चाहता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं बाबर ग्रेट है और रिजवान ग्रेट है, आखिर में उसको कहना पड़ा, उसको पता है ना कि अभी अगर लल्लो चक्को मैंने बाबर को ग्रेट नहीं कहा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, वो मुश्किल में तो वैसे ही पड़ोगे तुम यार। जिस नंबर पे तुम आने की कोशिश, जिस नंबर के लिए तुमने 3 महीने में इस नेशनल टी20 में जो 50 तुम्हारा है उन पे बोले तो देखो यार। माहौल लुबे लुबाब ये कि माहौल क्या बना, माहौल वो बना कि ये सब बाबर आजम को बैक कर रहे थे, इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की बाजगर सुनाई दी है इसलिए ये सब आ गए बाबर के खिलाफ, ये बाबर के खिलाफ हो गए। मैं पहले कह रहा था कि शान मसूद अगर आपकी मतलब आपने इंटेंट देखी 127 की, अबे उससे अच्छा तो बाबर है तुम्हारे पास, उससे अच्छा स्ट्राइक रेट तो इसके पास है बाबर के पास यार, उसको 4 नंबर पे लेकर आओगे और सुस्त करोगे गेम को, और क्या गारंटी है लिख के दिया उसे किसी को क्या मैं इस दफा मारूंगा मुझे टीम में ले आओ। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पूर्व क्रिकेटर इजमामुल हक हैं वो इस समय बाबर आजम को गंवार साबित करने पे लगे हुए हैं, और वहीं पे शान मसूद को वो बड़े लेवल पे शो करना चाहते हैं, और कहना उनका ये है कि बाबर आजम को इंग्लिश बोलने नहीं आती जिससे हमारी टीम की बेइज्जती होती है। अगर शान मसूद हमारी टीम का कैप्टन रहेगा तो जब उससे इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो खराटेदार इंग्लिश बोल के हमारी टीम का भी नाम ऊपर करेगा, यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कहीं पर भी इज्जत नहीं नज़र आ रही है और ख़ास करके बाबर आजम की। और पाकिस्तान टीम के अंदर में इस समय भारत का डर दिख रहा है साफ साफ, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर में, क्योंकि भारत की जो टीम है इस समय वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और सारे बल्लेबाज फॉर्म के अंदर में नज़र आ रहे हैं। और वहीं पे पाकिस्तान की टीम में अगर रिजवान नहीं चलता है तो पूरी पाकिस्तान की टीम जो है वो पूरी की पूरी ढह जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।